झरनादास जी माननीय दीपक प्रकाश जी, हम आपके माध्यम से सदन और सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि झारखंड में इधर लगातार बढ़ता हुआ व्याप्त इलीगल कोल माइनिंग के संदर्भ में सर, इधर धनबाद के निरसा में 3 कोलियरी हैं सर, गोपीनाथ, कापासारा और दहीबाड़ा, और तीनों कोलियरी में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और तीनों कोलियरी बंद है, और बंद कोलियरी में चाल धसने से 10 मजदूरों की मौत हुई है और 20 लोग घायल है। दुर्भाग्य इस बात का है सर कि 3 जो कोल कंपनियां हैं ईसीएल और बीसीसीएल, उन कंपनियों के लगातार सरकार, राज्य की सरकार पास लगातार लिखने के बावजूद राज्य की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सीआईएसएफ के द्वारा वहां के पकड़े जाते हैं जो अपराधी, उन पर एफआईआर करने के लिए जब निर्देश दिए जाते हैं तो राज्य की सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और दुर्भाग्य इस बात का है सर कि बंगाल और झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो कंपनियां काम कोल माइनिंग सेक्टर है सर, जहां माइंस होता है, वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर इलीगल माइनिंग हो रहा है, और इलीगल माइनिंग में झारखंड की बैठी हुई सरकार में जो सत्ताधारी दल है और बंगाल में बैठी हुई जो सत्ताधारी दल है, दोनों के बीच में अवैध संबंध है, जिसके कारण वहां पर कोयले की तस्करी बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार एसआईटी गठित करे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माननीय श्री के सी राममूर्ति जी। माननीय के सी राममूर्ति प्लीज, के सी राम।